लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से देश में मोदी सरकार लौट आई है। भले ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिला हो, लेकिन अपने सहयोगी दलों के साथ एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है और एनडीए की सरकार में इस बार भी कई सारे मंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश से भी तमाम लोगों को मौका मिला है, लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा मंत्रालय उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह के पास गया है, जो रक्षा मंत्री बने हैं, यानी कि वो कैबिनेट मंत्री हैं। पहले भी उनके पास रक्षा मंत्रालय था और एक बार फिर से उनके पास रक्षा मंत्रालय है। वहीं हरदीप सिंह पुरी, जो कि राज्यसभा सांसद के तौर पर उत्तर प्रदेश से हैं, उनके पास पेट्रोलियम है और वो पेट्रोलियम के कैबिनेट मंत्री हैं। जबकि जयंत चौधरी के पास स्वतंत्र प्रभार के तौर पर स्किल डेवलपमेंट के राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, जबकि शिक्षा में भी वो राज्य मंत्री के तौर पर काम करेंगे। अनुप्रिया पटेल, जो कि अपना दल एस के अध्यक्ष हैं, अनुप्रिया पटेल जो कि मिर्जापुर से जीत कराई हैं और अपना दल एस की अध्यक्ष हैं, उनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है, जबकि केमिकल और फर्टिलाइजर में भी वो राज्य मंत्री हैं। वहीं आगरा से जीतने वाले दलित चेहरे एसपी सिंह बघेल को मत्स्य पशु डेयरी का राज्य मंत्री बनाया गया है। इससे पहले ये पद जो है संजीव बालियान के पास था, जो मुजफ्फरनगर की सीट से चुनाव हार गए। जबकि पंचायती राज विभाग में भी एसपी सिंह बघेल को राज्य मंत्री बनाया गया है। कीर्तिवर्धन सिंह नए चेहरे के तौर पर सामने हैं, जो कि गोंडा से जीत कर पहुंचे हैं। उनको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन का राज्य मंत्री बनाया गया है, साथ ही साथ उनको विदेश राज्य मंत्री का भी काम दिया गया है। बीएल वर्मा उपभोक्ता और सामाजिक न्याय के राज्य मंत्री के तौर पर काम करते नजर आएंगे। जबकि बात करें कमलेश पासवान की, तो वो ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के तौर पर काम करेंगे। वहीं पंकज चौधरी को वित्त राज्य मंत्री बनाया गया, उनके पास पहले भी वित्त राज्य मंत्री का काम था। जबकि जितिन प्रसाद, जो कि नए चेहरे के तौर पर इस मंत्रालय में है, उनको वाणिज्य और उपभोक्ता मामले का मंत्री बनाया गया है। अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा निगाहें ये थी कि क्या राजनाथ सिंह एक बार फिर गृह मंत्री बनेंगे, हालांकि उनके पास वापस से रक्षा मंत्रालय है। जबकि वहीं हम बात करें जयंत चौधरी को, तो बड़ी चर्चा थी कि क्या वो खेल मंत्रालय लेंगे, उनको स्किल डेवलपमेंट दिया गया है बतौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। वहीं अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग में काम करती नजर आएंगे, उससे पहले भी उनके पास ये मंत्रालय था। इसके अलावा जितिन प्रसाद के ऊपर भी बड़ी चर्चा थी, जो कि उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उनको अब वाणिज्य और उद्योग विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है। आप किस भी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। रिपोर्ट पिता।